अब आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और साथ ही दिख रहा होगा बेल आइकन, उसे दबाकर नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी की जो मैं आपको वीडियो देने जा रहा हूँ वो खास तौर पर डीडी फ्री डिश के ग्राहकों के लिए ही है, क्योंकि डीडी फ्री डिश के जो ग्राहक है उनके मन में कल से ही सवाल जब वो पैदा होते जा रहे हैं, क्योंकि कल जो उनको इतना बड़ा झटका जो है वो डीडी फ्री डिश द्वारा दिया गया है उन्हें उसकी कतई उम्मीद नहीं थी। जितने भी हमारे अच्छे खासे देखे जाने वाले चैनल्स थे वो सभी हटा दिए गए हैं, जैसे कि जी अनमोल, स्टार उत्सव, जी अनमोल सिनेमा, सोनी वाह, सोनी पल, रिश्ते, तो कुल 11-12 चैनल्स हमारे लिए हटाए गए हैं। 9X जलवा भी था उसमें जो कि फ्री टू एयर चैनल था, उसके बावजूद भी हटा दिया गया है। तो उसका कारण भी आपको मैं बता चुका हूं पहले ही वीडियो में कि ये प्राइवेट डीटीएच ऑपरेटर्स और प्राइवेट ब्रॉडकास्टर के बीच सहमति के साथ हुआ है। बाकी जो हमारे लिए फ्री टू एयर चैनल्स हटाए गए हैं जैसे कि 9X जलवा, चढ़ती कला टाइम टीवी, इन्होंने खुद ही फैसला लिया था कि अब हमने डीडी फ्री डिश में ज्वाइन नहीं करना है, या फिर इनको फाइनेंशियल इशू हो सकता है, यानी पैसों की कुछ कमी हो सकती है, तभी ये ज्वाइन नहीं कर पाए और हो सकता है आने वाले वक्त में एक बार फिर से ये जुड़ जाए। तो देखिए अब सवाल यहाँ पे यही आता है कि क्या इन्हें चैनल्स को वापिस हम आने वाले वक्त में देख पाएंगे, क्या ये आने वाली 39वीं ई ऑक्शन जो है हमारे एमपैक 4 स्लॉट्स के लिए होने वाली है तो क्या ये उसमें एक बार फिर से हिस्सा लेंगे। तो देखिए इस पे जो सवाल बना हुआ है उस पे मैं जो जवाब देने जा रहा हूं वो आपको खुश नहीं करेगा, क्योंकि इस पे जो जवाब है वो है नहीं। जी हाँ, ये चैनल्स बिल्कुल भी एमपैक 4 स्लॉट्स के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर्स ने डिसीजन लिया है वो सोच समझ कर लिया है, तो ही इन्होंने इतना बड़ा जो है वो कदम उठाया है और एमपैक 2 स्लॉट्स उनको गवाया है। जी हाँ, डीडी फ्री डिश की जो संख्या है उसमें एमपैक 2 बॉक्सेस वाले संख्या ज्यादा है, यानी जितने भी डीडी फ्री डिश के 90% जो ग्राहक हैं वो एमपैक 2 बॉक्सेस इस्तेमाल करते हैं, वही 10% ही ऐसे ग्राहक होंगे जिनके पास एमपैक 4 बॉक्स होगा। तो कुल जो पलड़ा भारी है यानी 90% का है वो एमपैक 2 का है, और यहां पे साफ तौर पर नजर आता है कि यदि उन्होंने डीडी फ्री डिश में वापसी करनी होती तो वह कतई ही इतना बड़ा कदम नहीं उठाते और अपने चैनल्स को डीडी फ्री डिश से नहीं हटाते। तो ये जो फैसला लिया गया है वो काफी सोच विचार के साथ लिया गया है और ये एमपैक 4 स्लॉट्स में कभी भी ज्वाइन नहीं करेंगे। एमपैक 4 स्लॉट्स के लिए अभी कोई भी नाम सामने नहीं आया है, क्योंकि अभी ई ऑक्शन होगी, उसके बाद जो चैनल जुड़ेंगे उसके नाम हमारे लिए सामने आएंगे। लेकिन जो चैनल्स की आपने मांग की है कि एमपैक 4 स्लॉट्स में आ जाएं, जैसे कि जी अनमोल, जी अनमोल सिनेमा, जैसे भी हटाए गए हैं, तो ये नहीं आने वाले एमपैक 4 स्लॉट्स में। लेकिन जैसे कि हटाए गए हैं तो उसके बाद से आपको ये भी देखने को मिलेगा कि इनकी टीआरपी जो है वो काफी डाउन होती जाएगी, क्योंकि इनकी अधिकतर टीआरपी वो डीडी फ्री डिश की वजह से आ रही थी, क्योंकि रूरल एरियाज में ज्यादातर लोग डीडी फ्री डिश का इस्तेमाल करते हैं और वहां पर इन चैनल्स की जो मांग है वो काफी ज्यादा है, काफी अधिक है, तो उसी के तौर पर ये चैनल्स वहां पर ज्यादा देखे जाते थे। लेकिन अब जो है इनकी टीआरपी में कटौती देखने को मिलेगी, क्योंकि प्राइवेट ब्रॉडकास्टर के जो चैनल्स होते हैं उनमें जो रिरन चैनल्स है जैसे कि जी अनमोल, जी अनमोल सिनेमा, वो ज्यादा डीडी फ्री डिश में ही प्रॉफिटेबल है। प्राइवेट डीटीएच में ये चैनल जो है वो कस्टमर नहीं देखता, प्राइवेट डीटीएच में जो है वो पेड चैनल ज्यादा देखना प्रेफर करता है, जैसे कि जी टीवी, स्टार प्लस, सोनी, तो वो ज्यादातर देखता है। अब सवाल आता है कि क्या आने वाले वक्त में जो हमारे लिए एमपैक 2 स्लॉट्स के लिए एक बार फिर से ई ऑक्शन की जाएगी तो क्या उसमें हिस्सा ले सकते हैं। जी हाँ, उसमें ये हिस्सा ले पाएंगे अगर इनको फाइनली रियलाइज हो जाता है कि इससे हमारे को घाटा ही घाटा देखने को मिल रहा है, तो ये आने वाले वक्त में हो सकता है कि अपने चैनल्स को जो उन्होंने 10 पैसे की कीमत रखी हुई है, 1 रुपए की कीमत रखी हुई है, उसे जीरो कर दें यानी फ्री टू एयर कर दें और अपने चैनल्स को हमेशा के लिए डीडी फ्री डिश में वापिस से लॉन्च कर दें, तो ये हमारे लिए हो सकता है। लेकिन वो ई ऑक्शन जब होगी तभी इस बारे में आपको बता पाएंगे, और ये अगर उन्होंने आने का फैसला लिया होगा तो ही आपको बता पाएंगे, क्योंकि फिलहाल तो है अभी इनका कोई भी आने का फैसला नहीं है कि वापिस से एक बार लॉन्च करें, क्योंकि सभी ब्रॉडकास्टर्स ने मिलकर फैसला लिया है। केवल यहाँ पे सोनी की ही बात नहीं हो रही है, यहाँ पर स्टार वालों ने भी एक साथ वाइको, मेटिन, सोनी, जी, इन्होंने मिलकर ये फैसला लिया है, तो ही हमारा जी अनमोल गया है, स्टार उत्सव गया है, रिश्ते गया है, सोनी का पल गया है, सोनी का वाह गया है। जी हाँ, तो ये हमारे पास जो है वो खबर सामने आई थी। बाकी इसकी जो मांग है वो आप डीडी फ्री डिश के प्रसार भारती के ट्विटर अकाउंट पे या फिर शशि शेखर जो कि डीडी फ्री डिश के सीईओ हैं उनके ट्विटर अकाउंट पर आप जो है
कर सकते हैं, अपने चैनल्स की मांग कर सकते हैं कि ये हमारे लिए जल्द से जल्द लॉन्च किया जाए। हो सकता है इससे जो है इनके ऊपर प्रेशर पड़े और वो इन्हीं चैनल से वापस से मांग करें कि आप डीडी फ्री डिश में एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इससे डीडी फ्री डिश को भी घाटा होगा, क्योंकि डीडी फ्री डिश के जो ग्राहक है वो इन्हीं चैनल्स को देखना पसंद करते हैं और जो अब चैनल से हमें दिखाए जा रहे हैं उनको कोई भी ज्यादा देखना पसंद नहीं करता है। दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन इसी प्रकार से थी, यदि मुझे और भी कोई जानकारी आती है तो जरूर आपके साथ मैं शेयर करूंगा। बाकी आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में आप जरूर मुझे बता सकते हैं। बाकी आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करना ना भूलें, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नमस्कार। तो दोस्तों हम वेबसाइट की ओर पहुंच चुके हैं और प्राइम पैक्स को हम खोल रहे हैं।